डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब तो यार सभी अपनी शक्ति बैच में एनडीए की प्रिपरेशन के लिए रेडी है यस सभी अपना हंड्रेड परसेंट भी दे रहे हैं परफेक्ट तो यार आप अपने सभी सब्जेक्ट के मेंटर्स से तो मिल चुके हैं आज आप मिलिए अपने केमिस्ट्री के मेंटर से हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अनुष्का चौधरी एंड आई विल बी योर केमिस्ट्री मेंटर राइट यस तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बच्चे ये बात करेंगे कि कितना पोर्शन केमिस्ट्री का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइट right? मतलब एक ओवरव्यू हमें आईडिया होना चाहिए कि, कि किस तरीके से हम इस बैच में केमिस्ट्री को अप्रोच करने वाले हैं यस yes, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते कितने हैं राइट एक कंप्लीट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो हम करेंगे

पूरी सेशन की मिल जाएगी आपको क्या करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे आपको सिंपल simple... एक हमारी ऐप पे जाना है शक्ति बात को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगने सीधा सब्सक्राइब हो जाएगा एंड वहां पर आप आज की क्लास के लिंक नीचे जो आपको लिंक मिलेगा वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यस तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक थोड़ा सा होना चाहिए यस मैम तो यहां पर आपके पास में थोड़ा सा है बच्चे कि अगर आप यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें फिजिक्स की तो बात कर चुके हैं अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो 18 टू 20 क्वेश्चंस जो हैं ऑन एन एवरेज आपके आते हैं एंड ये इजी टू मॉडरेट होते हैं तो ज्यादा टेंशन मत लेना इजी टू मॉडरेट होते हैं और मैम आपको पढ़ाएंगी और इस तरीके से पढ़ाएगी कि आपको हर चीज रिटेन हो जाए ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो डे टू डे लाइफ केमिस्ट्री होती है ना उससे रिलेटेड होते हैं तो अब आज से आपको क्या करना है अपनी डे टू डे लाइफ में हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढना शुरू करो और तुम्हें पढ़ाई बहुत इजी लगने लगेगी ठीक है यस yes, तो टेंशन मत लेना जो 11, में साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एकदम मक्खन है आप ये ये बिकॉज आप सब चीजें पढ़ चुके हैं बट जिनके पास साइंस नहीं है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए हम हैं ना यहाँ पर तो हम फोकस करेंगे हर एक पॉइंट को कवर करने का राइट right? यस yes. बस आपको मैम का साथ देना है और क्योंकि हम हर चीज कवर करना चाहते हैं तो आपको इस पी को रिवाइज जरूर करना है सारे नोट्स जरूर रिवाइज करने हैं क्वेश्चन जरूर करने हैं तभी आप अपनी तैयारी मैक्सिमाइज कर पाएंगे तो चलो यार सेशन स्टार्ट करते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बच्चे केमिस्ट्री का सिलेबस तो पता होना चाहिए यस yes, तो सिलेबस में क्या क्या है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है यस yes, जो भी डे टू डे लाइफ में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयर एंड वाटर की प्रॉपर्टीज है बच्चे ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या है वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है

आप केमिकल इक्वेशन एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं यस मैम इनको भी मैम पढ़ाने वाली मैम हर चीज पढ़ाने वाली है, तो right, है, है, है अरे यारे इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं ना कि आप सबको बहुत मजा आने वाला है कब ये हमारा एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा पता ही नहीं ने लगेगा नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रियाक्शन पढ़ने वाले हैं अमेरिका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन और ना राजा है तो हम उस राजा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं परफेक्ट एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर्स अब अगर आप पेन की बात करो किसी भी अपने अराउंड कोई भी चीज ले लो हर चीज किससे बनी है एटम से बनी है तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं परफेक्ट फर्टिलाइजर्स अब अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हर जगह यूज हो रहे हैं फर्टिलाइजर्स तो यार यस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मटीरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स तो यानी कि मैम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अब हमारा सेशन स्टार्ट कर दो ठीक है यस बच्चे तो चलो अगर हम यहां पर स्टार्ट करें तो सबसे पहले केमिस्ट्री को समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है व्हाट इज केमिस्ट्री देखिए केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न करती है विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर किससे कंपोजिशन ऑफ मैटर आपका मैटर अब इसमें एक वर्ड आ रहा है मैम मैटर ये क्या है उसकी डिस्कशन तो करेंगे आज परफेक्ट इट्स प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स इट आल्सो डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द चेंजेस इन कंपोजिशन एंड चेंजेस इन एनर्जी राइट अभी तो ये इंग्लिश के वर्ड्स लग रहे होंगे बट ये लेक्चर्स जब आप सारे अटेंड कर लेंगे उसके बाद में आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ आने लगेगा राइट परफेक्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तीन ही तो ब्रांचेस होती है यार

तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग पेपर्स में पूछा गया है एनडीए में भी पूछा गया है

समझने के लिए हम क्या कहते हैं ये चीज़ तो हम पढ़ भी चुके हैं। या फिर आई वुड से स्पेस ऑक्युपाई करती है एंड हैज मास राइट यस तो यानी कि आपके पास में कोई भी चीज हो बच्चे आप

एयर क्या है जो आपके रूम में एयर है क्या आप उसे मैटर कह सकते हैं वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है यस yes, उसका भी कुछ मास है तो वो भी मैटर है तो एक क्वेश्चन जो एनडीए में बार बार पूछा जाता है वो यही होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि क्या ये मैटर है या नहीं है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछू आ, आपको क्या है आपको भूख लग दी है

तो कोल्ड ड्रिंक क्या होगा यस मैम दैट इज अ मैटर राइट तो आपको अपने दिमाग से मतलब आपको अपने नॉर्मल मतलब जो हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चीजें होती हैं आप बस उसको सोचो कि यार क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या इसका कुछ मास है अगर है तो वो मैटर है अगर नहीं है तो वो मैटर नहीं है सिंपल तो यानी कि यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अब कर सकते हैं नेक्स्ट क्या बोला अगर मैं आपके सामने एक नाम लेती हूँ जैसे कि एच टू तो एच टू को सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है बच्चे कि वो पानी है मैम राइट right? लेकिन नहीं एच टू तो बच्चा एक मोलिक्यूल है एच टू तो एक मोलिक्यूल है ठीक है ये तीन अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है बच्चा वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है जैसे कि हम बोलते आइस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है वॉटर और इनफैक्ट गैसियस स्टेट में जिसे हम कहते हैं वेपर उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है तो एच क्या है वो एक मोलिक्यूल है और वो आगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है तो मैम एक क्वेश्चन का आंसर दो यार आपने ये तो बोल दिया कि वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है बट वो तीन अलग अलग स्टेट्स में कब और क्यों एग्जिस्ट करता है Yes, ये तो हमें पता होना चाहिए तो अब इसका आंसर देखेंगे अगर आप इसकी बात करो बच्चा तो मैटर जो है वो दो मेन चीज पे डिपेंड करता है मैटर की जो स्टेट होती है वो दो मेन चीज पे डिपेंड करती है और वो क्या क्या है वो है आपकी एक है आपकी बच्चे थर्मल एनर्जी एंड टेक्स्ट इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब इसको समझने की जरूरत है

मान लो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है हमने क्या किया हमने उनकी फोर्स उसकी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया अगर आप थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज करके करोगे तो क्या होगा मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी उनमें बहुत एनर्जी आ जाएगी राइट यस तो जब किसी में बहुत एनर्जी होती है जब आप में बहुत एनर्जी होती है तो आप भागते हैं कूदते हैं फिरते हैं हां यानी कि आप दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से तो वही चीज बच्चा मॉलिक्यूल्स में होती है जब आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज करोगे दैट इज योर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसलिए तब वो किस चीज को डोमिनेट करती है गैसियस स्टेट को डोमिनेट ट करती है क्योंकि गैसियस स्टेट क्या है बच्चा वहां पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। अगर आप एयर भी देखोगे रूम में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो वो आपकी गैस है यस मैम

एनर्जी yes, आप force of attraction की बात तो प्रेशर करेगी, आप pressure इंक्रीज करो ये यहां पर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो कौन डॉमिनेट करेगा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैम इंक्रीज हुई तो हमारी सॉलिड स्टेट जो है वो डॉमिनेट करेगी इतना क्लियर है बच्चा यस मैम इतना क्लियर है अब आपको यहाँ पर समझना क्या है वो चीज देखो यार अगर आप एक बात देख लो अगर आपने थर्मल एनर्जी को बहुत बहुत इंक्रीज कर दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिज़न में तो आपको गैसियस स्टेट मिलती है ठीक है बच्चा येस yes, मैम अगर आपकी थर्मल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है किससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो फिर आपको लिक्विड स्टेट मिल जाती है यस yes, मैम और अगर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से तो आपको सॉलिड स्टेट मिल जाती है इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है तो यू कैन मार्क इट इंपॉर्टेंट यस मैम और इनफैक्ट अब तो इंपॉर्टेंट मार्क करने की जरूरत ही नहीं है अब तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है राइट right, तो अब हम कभी भी नहीं भूलेंगे मैम यस तो ऐसे ही सारी चीजें क्लास में ही समझ कर जानी है परफेक्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैटर में एक चीज तो हमें पता है दैट सॉलिड ले लो लिक्विड ले लो गैस ले लो अगर वो मैटर है तो उसका मास तो है तो यानी कि मास तो भाई सेम रहेगा हर केस में ठीक है अब हम आते हैं कहां पर बच्चे शेप पे अगर आप शेप की बात करते हो तो सॉलिड की शेप तो फिक्स होती है यस yes, मैम क्या कंट, अगर आप लिक्विड के स्टेट की बात करो तो वो क्या होती है मैम लिक्विड को अगर मैंने ग्लास में पानी डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा अगर मैंने बॉटल की शेप में डाला बॉटल में डाला तो बॉटल की शेप ले लेगा यानी कि क्या कर रहा है बच्चे लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप ले लेता है सेम इसी तरह से अब आपको मुझे बताना है सोचकर बताओ कि गैस क्या करती है अब अगर आप गैस की बात करते हो तो गैस को आप किसी भी कंटेनर में डाल दो उसी की शेप ले लेगी आप एक बॉक्स में डालोगे गैस को तो वो बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगी आप इतने से बॉक्स में डाल दो इतने से में हो जाएगी आप क्यूब में डाल दो किसी भी चीज में डाल दो आपकी गैस उसी की शेप ले लेती है तो यानी कि यहां पर भी हम कंटेनर लिख सकते हैं ये बात तो आपको समझ आई होगी हाँ मैम नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो सॉलिड की बच्चा वॉल्यूम फिक्स है हाँ मैम जितनी वॉल्यूम है उतनी ही रहेगी क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है सोचते हैं यस मैम लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स होती है अगर आपके पास में दो लीटर पानी है और आपने उसको एक बॉटल में डाला है तो वो दो लीटर पानी अगर आप किसी बकेट में भी डालोगे तो वो दो लीटर ही रहेगा वो दस लीटर नहीं हो सकता है राइट यस मैम तो यानी कि बच्चे उसकी वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है गैस की वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ये सोचते हैं अगर आपने वो पूरी, पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, तो कर लेगी यानी कि गैस की, की वॉल्यूम बच्चा फिक्स नहीं होती है गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है वो कंटेनर की जगह ले लेती है अब आपको ये समझना है अब ये कई बार क्या होता है कि मैम नहीं समझ आया फिर से समझाओ अब सोचो सोचो कि आप एकदम कोई पार्टी में जा रहे हो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको एक इम्प्रेशन बनाना है तो आप क्या करोगे आप ऐसे अपने परफ्यूम डीओ काइंड ऑफ लगाओगे यस और जैसे ही रूम खोलोगे हर किसी को पता लग जाएगा कि आप आ गए क्योंकि एक इतनी अमेजिंग सी स्मेल आएगी राइट यस मैम तो वो अमेजिंग सी स्मेल क्यों आई बच्चा क्योंकि आपकी जो गैस थी क्या था डिओड्रेंट क्या था जब आपने लगाया तो वो गैस थी यस जब आपने रूम खोला रूम का दरवाजा खोला तो उस गैस ने पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया जिसकी वजह से जितने भी लोग बैठे थे उनको वो स्मेल आ गई तो यानी कि बच्चे यहाँ से हमें पता चला कि गैस जो है वो कंटेनर की वॉल्यूम ले लेती है तो इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर गैस वॉल्यूम ले लेती है परफेक्ट इसकी इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी होती है इनफाइनाइट एक्सपेंडेबिलिटी होती है ठीक है बच्चा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो इसलिए हमें हर एक पॉइंट में एक नए क्वेश्चन को आंसर करना सीखना है और अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करना है परफेक्ट बच्चे चलो यहां से हम बोलते हैं कि शेप कब फिक्स होती है जब मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर बैठे हैं कहीं नहीं जाएंगे तब आपकी शेप फिक्स होती है यस yes, मैम अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम की बात करो तो जो पार्टिकल्स के बीच की जगह है स्पेस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए अगर ये दोनों पार्टिकल्स जा रहे हैं तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे जाने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए नहीं अगर बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर उसकी वॉल्यूम जो है वो कंटेनर की वॉल्यूम हो जाएगी अगर तुम्हें वॉल्यूम को फिक्स रखना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह जो है जो स्पेस है जो डिस्टेंस है वो हमेशा रहना चाहिए तो आई होप ये चीज समझ आई अब इस इस टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो मैम हम कभी गलत नहीं करेंगे राइट यस परफेक्ट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब इन स्टेट्स को मैम आपने बताया था कि एच टू सॉलिड में भी हो सकता है एच टू लिक्विड में भी हो सकता है एच टू गैस में भी हो सकता है और आपने ये भी बता दिया कि अलग अलग स्टेट कब कब एग्जिस्ट करती है लेकिन मैम कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं इसका जवाब भी चाहिए तो चलो अब इसका जवाब लेते हैं तो कैसे करना है ये समझते हैं अगर आप स्टेट्स को चेंज करना चाहते हो तो बच्चे कैसे करोगे पहले खुद सोचो और फिर हम इसके बारे में इसके बाद में इस टेबल को देखेंगे अगर हम यहां पर बात करें तो मान लो आपके पास में आइस है। कभी भी किसी चीज को रटना नहीं है तो आइस से शुरू करते हैं ठीक है अगर मुझे आइस को अगर मुझे आइस को बच्चे किस में कन्वर्ट करना है अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है ठीक है वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में जो पानी होता है उसके अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी क्या करते हो आइस को जब हीट कर दो तो वो मेल्ट हो जाता है हाँ मैम तो यानी कि आप यहाँ पर अगर इसको हीट कर दोगे तो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर है हाँ अगर पानी को वापस से आपको आइस में कन्वर्ट करना है तो फ्रिज में रखते हो दैट इज फ्रीज करते हो राइट तो यानी कि यहां पर आप इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो फ्रीज करते हो यस मैम वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है यानी कि क्या करते हो सोचो पानी जब बाहर रख देते हो और सन आ, सन आ रहा होता है मतलब सन लाइट आ रही होती है बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है पानी इवेपोरेट हो जाता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या किया यहाँ पर यहां पर इसको फिर हीट किया तो क्या हो गया बच्चे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया राइट यस मैम तो यानी कि यहां पर आपका इवेपोरेशन होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चा इवेपोरेशन कहते हैं अब अगर आपको वेपर से वापस वाटर लाना है, वेपर से से वापस वापस वाटर वाटर लाना लाना है है अगर तो क्या करते है? cool करते हैं हैं कूल डाउन टेम्परेचर कम करते हैं तो यानी कि आपने क्या किया मैम हमने यहां पर कंडेंसेशन किया आपने यहां पर क्या किया बच्चा कंडेंसेशन किया तो इसी तरीके के प्रोसेसिस होते हैं तो कभी भी रटो मत हमेशा अपनी डे टू डे राइफ से रिलेट कर लो यस yes, मैम अगर आप आइस को वेपर में कन्वर्ट करते हो तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं हाँ सिंपल में अगर आप सब्लिमेशन की बात करो तो एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके मैम कैम्फर होता है इसका एग्जाम्पल यस yes, बच्चा कैम्फर आपका एग्जाम्पल होता है राइट right? यस yes. तो इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए हर किसी का और रटना तो है ही नहीं अब इस टेबल को देख लो यार जो हमने टेबल देखा था ये रहा हमारे पास में टेबल अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है अगेन गैस की तरफ जा रहे हैं ये आपका लिक्विड है यहां से शुरू करते हैं सॉलिड से गए सॉलिड से गए मेल्ट किया लिक्विड लिक्विड आया, liquid से गैस में जाएंगे तो इवेपुरेशन प्रोसेस कहते हैं तो आपको ये प्रोसेस के नाम याद होने चाहिए ठीक है और प्रोसेस के नाम रटने नहीं है समझने हैं यस मैम तो हमें आता भी है हम डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स यूज भी करते हैं लेकिन जब याद करने की बारी आती है तो भूल जाते हैं राइट right? परफेक्ट ये रहा सब्लिमेशन पीछे आ जाएगा डेपोजिशन ये मेल्टिंग ये फ्रीजिंग ये कंडेंसेशन ये वेपोरेशन मैम अब क्लियर है अब कोई डाउट नहीं है ठीक है बच्चा यस मैम अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जांपल आपको यहाँ पर किस चीज का याद रखना है कि यार सब्लिमेशन कैसे होता है सब्लिमेशन जब सॉलिड से सिंपल गैस में जाओगे तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे ड्राई आइस हो गया ड्राई आइस क्या होता है बच्चे ये लिख लो क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है अगर आप ड्राई आइस की बात करोगे तो क्या होता है सॉलिड सीओ टू जो होता है उसको आप क्या कहते हो ड्राई आइस कहते हो ठीक है तो सॉलिड सीओ टू को आप ड्राई आइस कहते हो राइट तो ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए परफेक्ट है तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार क्या प्रोसेस होगा अगर आप सॉलिड को सिंपल गैस में कर दो, तो आप बता सकते से session, right? Perfect, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं बॉइलिंग पॉइंट पे अब आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना है बच्चे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि वॉटर को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया सॉरी

यहां पर क्या हो जाएगा जहां से कोई लिक्विड से सिंपल गैस में चला जाए तो क्या मैं हर उस टेम्परेचर को उसका कह सकती हूं? नहीं। एक होता है, अब आपको वो समझना है ठीक है किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर आपको पता है कि मान लो ये आपके पास में एक कंटेनर है और इसके अंदर आपके पास में इस तरीके से लिक्विड है ठीक है अब आपने इस टेम्परेचर इसको हीट करना शुरू किया ठीक है येलो से हीट करेंगे भाई ठीक है तो जैसे मान लो आपने इसको हीट करना शुरू किया तो आपको पता है कि ये क्या होगा मैम ये ना वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होगा तो बच्चा ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो जब बच्चे ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो आपको पता है दैट ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये क्या करते हैं जब गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और मान लो आपने इसको ऐसे ढक के रखा हुआ है

उस टेम्परेचर को उस टेम्परेचर को मान लो मैंने इस टेम्परेचर को टी टेम्परेचर तक हीट किया और क्या हुआ जो ये अंदर का वेपर प्रेशर था ये जो अंदर का मेरा वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो गया इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो गया तो जो ये टी टेंपरेचर होता है उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो तो यानी कि मैम बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ बच्चा बॉइलिंग पॉइंट वो टेंपरेचर हुआ जहां पर आपने एक लिक्विड को हीट किया उसके वेपर्स बने और जो अंदर का वेपर प्रेशर था वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेंपरेचर को बॉइलिंग टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है राइट right? यस yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अब मेरी बात सुनो अगर मान लो आप हाइट्स पे गए मान लो आप Hills पे गए तो Hills पे क्या होता है जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है प्रेशर कम होने लगता है ये बात समझ लो जब हम Hills पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ठीक है यस yes, मैम तो यानी कि Hills पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस एज कंपेयर टू द प्लेन्स हां मैम अब अगर आप ऊपर जाकर किसी लिक्विड को हीट करोगे मान लो ऊपर जाकर आपने किसी लिक्विड को हीट किया सेम इसी लिक्विड को जिसको आप आप ग्राउंड पे कर रहे थे, वहीं पर आप हिल्स पर जाकर उसको हीट करोगे तो क्या होगा बच्चे यहां पर भी कुछ वेपर प्रेशर आएगा यस मैम अब ये जो वेपर प्रेशर है ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा जब आप इसको हीट करोगे तो कोई टी डैश टेम्परेचर पे हाँ मैम तो यानी कि जो ये T डैश होगा फिर ये बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां पर VP जो होगा वो एटमोस्फिर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा यस मैम मुझे पता है दैट जो मेरा ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो इस एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है यानी कि ये जो टी टेम्परेचर है ये भी कम टेम्परेचर पे ही ये वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा मतलब थोड़ी देरी हीट करोगे इतने में ही ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि मान लो अगर ये प्रेशर वन है और ये मान लो जीरो पॉइंट एट है तो सेम लिक्विड को सेम अमाउंट के लिक्विड को वेपर प्रेशर वन करने में ज्यादा टाइम लगेगा दैन जीरो पॉइंट एट हाँ तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ दैट जो मेरा टी डैश टेम्परेचर होगा वो भी मेरा लेस होगा देन टी बच्चा ये समझ आ रहा है इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहती हूं कि जब आप हाइट्स पे जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है प्रेशर कम होगा तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर प्रेशर को उसके इक्वल होने के लिए तो इसलिए जो हाइट्स पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट एट प्लेन्स इतना समझ आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परफेक्ट यस मैम ठीक है तो ये हो गया हमें समझ आ गया मैम परफेक्ट वेरी गुड बच्चा अगर नहीं आया तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं इज योर मेल्टिंग 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 पॉइंट 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 तो किसे कहेंगे सिंपल वो होता है जहां पर आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाता है राइट यस मैम तो अब आपसे जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं देखो इनकी डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएंगी ये आप गो थ्रू कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं जो मेन चीज आपको बताना चाहती हूँ वो है एग्जाम के पॉइंट और मेल्टिंगल तो पार्ट तो है नोट बनाकर लिखा है आपसे पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल क्या है बता देंगे मैम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन क्या है ठीक है ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं इसलिए यहाँ पर लिखे हैं ठीक है

वो बड़ा वाला बल्ब जो होता था ना पुराने टाइम में हाँ, तो वो वाला बल्ब था एकदम से मेरा हाथ उसको टच हुआ और मुझे बहुत गरम लगा गरम लगा क्यों क्योंकि बच्चा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था ठीक है उसके अंदर जो यू जो ये फिल्मेंट यूज होती है ना दैट इज मेड ऑफ टंगस्टन और क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है तो वो सॉलिड कितना ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है मेल्ट नहीं होगा क्योंकि थ्री फोर टू टू डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए बल्ब के अंदर क्या यूज होता है टंगस्टन यूज होता है बल्ब के अंदर क्या यूज होता है टंगस्टन यूज होता है. है ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यार बल्ब के अंदर क्या यूज होता है तो आप बता सकते हो टंगस्टन क्यों यूज होता है तो आप बता सकते हो क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है आप कितना भी उसको हीट करो मतलब कितना भी वो जले मेल्ट नहीं होगा क्योंकि हमें कोई ऐसा ही तो चाहिए यस yes, परफेक्ट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ऐसे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं राइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी की बात करो तो मर्कर का मेल्टिंग पॉइंट बच्चा थ्री डिग्री सेल्सियस होता है ये आपको याद होना चाहिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है right?

ठीक है तो मुझे बताओ कि सबसे पहले बॉयल कौन होगा सबसे पहले गायब कौन हो जाएगा क्या वो एल्कोहल होगा क्या वो एसीटोन होगा क्या वो वाटर होगा अगर आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये आपको याद होना चाहिए एसीटोन है 78 डिग्री सेल्सियस एंड सॉरी 58 डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस एंड 78 ठीक है एसीटोन क्या होता है याद है जो नेल पेंट होती है नेल पेंट रिमूवर क्या होता है बच्चा जैसे ही आपने उसको ओपन किया क्या होता है हीट हो जाता है गायब हो जाता है उड़ जाता है क्यों क्योंकि बच्चे वो क्या हो गया बॉइल हो गया वेपर में कन्वर्ट हो गया खत्म हो गया तो अब यहां से क्या समझे अगर आप किसी इन तीनों को हीट करोगे तो सबसे पहले कौन सा गायब होगा, होगा क्योंकि इंक्रीज करना शुरू करूंगी तो पहले फिफ्टी एट डिग्री सेल्सियस आएगा हाँ मैम और फिफ्टी एट डिग्री पूरा खत्म खत्म राइट फिर सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस आएगा फिर एल्कोहल खत्म और फिर आपका वॉटर राइट right, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं तो आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे हम्म hmm, गुड बच्चा तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और हम सॉल्व कर लेंगे मैम अब हमें कोई दिक्कत नहीं है परफेक्ट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेम्परेचर में और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं बच्चे टेम्परेचर जो है अगर आप सोचो तो मैम टेम्परेचर हम जनरली किस में यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं मैम नौ डिग्री सेल्सियस दस डिग्री सेल्सियस राइट यस लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में कैलकुलेशन की बात करोगे तो बच्चे कैलकुलेशन केमिस्ट्री में जो होती हैं वो हमेशा किससे होती हैं कैलविन स्केल में होती है तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि केल्विन स्केल यूज करना है तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन बताए गए हैं कि अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो और कोई टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो सिंपली उसको 273 से ऐड कर दो ठीक है यस yes, मैम nah. अब आपको यहाँ पर बच्चा याद रखना है कि एक्चुअल में 273.15 सेवेंटी ऐड करते हैं एक्चुअल में टू पॉइंट वन फाइव एड करते हैं राइट right, मैं इसको आपके सामने लिख भी देती हूँ प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केलवेन के अंदर लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए टू सीधा टू सेवेंटी थ्री भी हम यूज कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट कैलविन स्केल हो गया सेकेंड जो होता है वो फेरन में भी टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है तो आपके सामने एक रिलेशन ये है जो डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर देगा फेरन में कन्वर्ट कर देगा तो आपको ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इससे एक टेम्परेचर दिया होगा दूसरे में कन्वर्ट करना होगा तो आप कर लेंगे एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है दैट ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में और फेरन में सेम होता है? तो वो कैसे ढूंढेंगे लेटस से कि टी टेम्परेचर है वो जो सेम है डिग्री सेल्सियस में भी और फेरन में भी तो कैसे देखेंगे मैम अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में हम कंसिडर कर लेते हैं कि टी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो फन और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम है तो टी डिड बाई फाइव टू टी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो माइनस फोर्टी आएगी तो इसलिए माइनस फोर्टी जो होता है वो वो टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेल्सियस और फेरन हाइट में एक्जैक्टली exactly सेम होता है ठीक है तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना आई होप अब हम उसको गलत नहीं करेंगे ठीक है परफेक्ट है बच्चा अब कुछ चीजें और पूछी जाती हैं कि एप्सुल्यूट टेम्परेचर क्या होता है एप्सोल्यूट टेम्परेचर बच्चे वो टेम्परेचर होता है जहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कोई भी सॉलिड होगा ना उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्चुअल में आपका जीरो केल्विन होता है अगर आप जीरो केल्विन को अगर आप जीरो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो यहां पर जीरो पुट कर दो इज इक्वल टू जीरो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 तो यहां से आपका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू -273.15 आ जाए गा राइट यस तो सिंपल यूनिट कन्वर्जन है कर लेंगे अगर हमें ये रिलेशन आता है तो यस yes मैम तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे पूछ ले कि यार ये बताओ कि एब्सोल्यूट लूट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है तो अगर आपको कैलविन में पता है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो सिमिलरली रूम टेम्परेचर जनरली टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यूज करना होता है बट कई बार आपको ऑप्शन में 27 डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड भी दिया जा सकता है तो आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखना है कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शंस एक साथ आ जाए ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है यस yes, मैम तो यहां पर आपके पास में ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपको डिग्री सेल्सियस में दिए हैं कैलविन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए तो परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं होगी वेरी गुड बच्चा नेक्स्ट इज योर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी आपसे पूछा जा सकता है तो वो आपको पता होना चाहिए थर्टी डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 310 केल्विन जो आप अपना टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बुखार हो जाता है तब चेक करते हैं ना यस मैम तो वो कहां पर आता है

नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ठीक है एक बार गो थ्रू कर लो यार क्या क्या है सबसे पहले एच टू जो है वो किसने डिस्कवरी दी थी ठीक है एच टू गैस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मोस्ट अबंडेंट गैस है आपकी यूनिवर्स के अंदर फ्यूचर ऑयल है जब पेट्रोलियम से हम

ली हम गलती कर सकते हैं दैट इज योर स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर गैस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंजर गैस स्ट्रेंजर गैस क्या है आपकी नियॉन है जेनॉन है जेनॉन है क्या है जेनॉन है क्यों है अब इसको समझो जैसे आप जेनॉन की बात करोगे तो जेनॉन क्या है बच्चा हीलियम Neon, इन सब के जैसे एक नोबल नोबल गैस 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 है इज़ योर gas. ये गैसेस वो होती हैं जो किसी भी और कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नहीं बनाती हैं इसीलिए उनको नोबल गैसेस कहा जाता है इनर्ट गैसेस कहा, कहा जाता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती हैं बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जो है, के के ऑक्सीजन साथ बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, यानी कि ने जो उसकी बाकी के लोग कर रहे थे उससे कुछ डिफरेंट कर दिया राइट right? है इनर्ट गैस नोबल गैस के अंडर आती है लेकिन फिर भी कंपाउंड बना दिया ऑक्सीजन के साथ इसलिए इसको एक नाम दे दिया दैट इज योर स्ट्रेंजर गैस तो ये कुछ आपके आ जाता है पेपर में ये कर लेंगे मैम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चा ऑग्नेसियन एलिमेंट वन वन एट अगर आप पीरियोडिक पिरि, टेबल में देखेंगे तो नया एलिमेंट है इसका नया नाम है तो ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक है तो ये हम कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये कुछ पॉइंट है जो आप थ्रू करें क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं परफेक्ट बच्चा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम देखें तो क्या है अब हम समझते हैं मैटर को मैम मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे तो चलो बच्चे अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं अगर आप यहां पर देखो तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द बल्क प्रॉपर्टीज मैम बल्क प्रॉपर्टीज क्या होता है चलो अगर आप पानी की बॉटल ही लेते हो बच्चा तो पानी की बॉटल या तो हो कि आप पानी के सरफेस को स्टडी कर लो सिर्फ या फिर क्या करो पूरा का पूरा अंदर से उसको एनालाइज करो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स देखो कि भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो जो बल्क होता है वो पूरा अंदर की तरफ होता है एक सरफेस होता है एक सरफेस के अंदर भी अगर आप चले जाओ तो उसे बल्क कहते हैं तो बल्क प्रॉपर्टीज दैट इज पूरी की पूरी डिटेल्ड स्टडी जो है उसके अंदर की उसके बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हैं मेजर मैटर को दो टाइप्स में क्या क्या दो टाइप्स है एक है आपका मिक्सचर और एक है आपका प्योर सब्सटेंस मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर बच्चा क्या होता है समझो अगर आप मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो मिक्सचर जो है वो फर्दर दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है एक होता है आपका ये होमोजेनस है और दूसरा किस तरह से हो सकता है हेड्रोजेनस मिक्सचर हो सकता है ठीक है यस मैम आगे बढ़ो बच्चा आगे अगर आप बात करोगे प्योर सब्सटेंसेस की तो प्योर सब्सटेंसेस आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है कंपाउंड्स हो सकते हैं तो अब आपको इनके बारे में समझना है कि मैम इससे आप क्या कहना चाहते हैं ठीक है वन बाय वन हर चीज को पढ़ते हैं अगर आप मिक्सचर की बात करते हो तो मिक्सचर में बेसिकली क्या होता है बच्चे मिक्सचर उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर कंपोजीशन क्या होती है कंपोजीशन आप चेंज कर सकते हो ठीक है वन बाय वन हर एक चीज को समझेंगे मिक्सचर किसको कहते हैं जिसके अंदर हम कंपोजीशन चेंज कर सकते हैं ठीक है तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं दैट कंपोजीशन कैन बी चेंज्ड कंपोजीशन कैन चेंज ठीक है है। कोई दिक्कत नहीं है। Perfect. Next, अगर आप बात करो pure substances की, तो प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बच्चा जिनकी कॉम्पोजिशन एकदम फिक्स है आप कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हो तो यानी कि यहां पर हम बोलेंगे can, uh, cannot change the composition, cannot change कॉम्पोजिशन ठीक है बच्चा यस yes, मैम इतना तो समझ आया अब आप थोड़ा सा मैम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओगे तो ज्यादा समझ आएगा है ना डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझाओ तो मैम है ना हर चीज करेंगी देखो अब अगर हम यहाँ पर वन बाय वन चलते हैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं इनको डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है डिटेल में पढ़ने से मैम का क्या मतलब है यहाँ पर देखो बच्चे अगर आप मिक्सचर की बात करते हो तो क्या कहता है दैट इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटैंसेज एंड ईच सब्सटैंस नोन एज अ कॉम्पोनेंट जैसे अगर मैं आपको बोलती हूं कि मुझे नींबू पानी पीना है नींबू पानी के लिए क्या करोगे आप पानी लोगे पानी के अंदर आप चीनी मिक्स कर दोगे ठीक है आपने मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया तो आपके पास दो कॉम्पोनेंट हुए ना वॉटर एंड शुगर अगर आपने नमक भी मिक्स कर दिया तो वॉटर शुगर एंड सॉल्ट राइट यस तो तीन कॉम्पोनेंट गए तो इसको एक मिक्सचर कहा जाता है अब क्या होगा कि सोचो कि मुझे आ, किसी को कम मीठा पसंद है किसी को ज्यादा मीठा पसंद है ठीक है तो क्या करोगे आप? आप एक ग्लास में ज्यादा चीनी डाल दोगे लेटर से दो टेबल स्पून डाल दिए और एक में क्या किया सिर्फ एक टेबल स्पून डाला मिक्स कर दिया तो एकदम इवन हो गया राइट पता ही नहीं लग रहा कि ये वाला और ये वाला वो तो टेस्ट से ही पता लगेगा कि ये ज्यादा मीठा है और ये कम मीठा है राइट यस यानी कि एक यूनिफॉर्म लेयर बन गई है ना यस yes, मैम तो अब आपको यहां से क्या समझना है बच्चे कि इसको मिक्सचर क्यों कहा जाता है क्योंकि आप कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी है आप दो टेबल स्पून डालना चाहते हो या आप एक टेबल स्पून डालना चाहते हो फिक्स नहीं है कि भाई पांच लीटर पानी है तो पांच लीटर में दो, दो टेबल स्पून ही शुगर डालो नहीं फिक्स नहीं है तुम्हारी मर्जी है तुम कितना भी डाल सकते हो वो क्या हुआ मिक्सचर हुआ जब आप कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हो तो उसको आप क्या कहते हो बच्चे तो आप उसको मिक्सचर कहते हो ठीक है मैम लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप उसको पूरा देखो मतलब कि ये दोनों है एक में दो टेबल स्पून डाला था एक में एक टेबल स्पून डाला था अगर आप उसको ध्यान से देखो और आप इसका कोई भी हिस्सा उठाओगे अगर आप इसका हिस्सा ये वाला उठाओ और इधर से उठाओ दोनों सेम लगेंगे बिल्कुल इवन है यस मैम इसमें भी सेम ही चीज है अब समझो इधर ग्लास में ये रहा ग्लास वाटर है शुगर है ठीक है शुगर सोलूशन बनकर ये क्या बन गया मिक्स हो गया और भैया पतला सा बन गया है अब मैं यहां पर साठा लू तो चाहे मैं से कुछ उठा लू मैं यहां से कुछ उठा लू मिक्स एकदम कंप्लीट इवन हुआ होगा यस मैम यानी कि एक यूनिफॉर्म लेयर बनी है कुछ भी दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि भाई ये शुगर है ये पानी है नहीं कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं इसलिए उसे कहा जाता है होमोजिनियस मिक्सचर क्यों कहा गया क्योंकि कॉम्पोजिशन चेंज कर सकती थी होमोजेनस क्यों कहा गया क्योंकि कंप्लीटली मिक्स हो गया अलग अलग नहीं रहा तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है अ अ मिक्सचर इज मैटर दैट कैन चेंज द कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी को चेंज कर सकता है क्या कर सकता है अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकता है होमोजेनस मिक्सचर क्यों इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट अब वो बच्चा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट यहां पर भी यूनिफॉर्म है यहां पर भी सेम है यहां पर इसी में इसलिए उसको होमोजेनस कहा गया इतना समझ आया बिल्कुल मैम इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर अब मैं आपको मिक्सचर को हेटेरोजेनस कब बोलते हैं वो समझाती हूँ। अगर आप हेटेरोजेनस की बात करते हो तो बच्चे हेटेरोजेनस में क्या होगा अब आप एग्जांपल लो शुगर का और सैंड का शुगर के साथ मैंने सैंड को मिक्स कर दिया ठीक है अब मेरी मर्जी है मैं 2 टेबल स्पून शुगर के साथ 5 टेबल स्पून सैंड ले लू चाहे मैं तीन आ, स्पून के साथ टेबल स्पून शुगर के साथ पंद्रह स्पून आ, सैंड ले लू राइट मेरी मर्जी है मतलब मैं कॉम्पोजिशन चेंज कर सकती हूँ तो इसलिए मैं उसको मिक्सचर बोलूंगी लेकिन अगर आप शुगर और सैंड को देखोगे तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हो सकता है कि यहाँ पर शुगर और सैंड का मिक्स कम हो और यहाँ पर सैंड ज्यादा हो शुगर कम हो, हो सकता है कि यहाँ पर शुगर कम हो सैंड ज्यादा हो यानी कि आपको शुगर और सैंड अलग अलग दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं यूनिफॉर्म तो नहीं है आउट, नहीं है है थ्रू आउट मैम इसलिए उसको कहा जाता है। तो यानी कि जिसका चेंज हो वो होमोजेनस होगा।, तो होगा और अगर आप उसके कॉम्पोनेट्स को अलग अलग देख सकते हैं तो वो क्या होगा बच्चे तो वो होगा आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर क्लियर है बच्चा इस वेरिएबल एंड न्यू कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर इट इज कॉल्ड हेड्रोजिनस मिक्सचर क्लियर है यस मैम तो हेड्रोजिनस और होमोजेनस मिक्सचर्स हमें समझ आ गए हैं अब हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे Right, यस yes. तो अगर आप प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं बच्चा तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा देखो अब अगेन एक बात बता रही हूं कॉम्पोजिशन यहां फिक्स होती है यहां पर कॉम्पोजिशन फिक्स होती है यहां पर आप कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते कि यार चल थोड़ा सा ये डाल देता हूं ज्यादा ये डाल देता हूँ चाय जैसे या नींबू पानी जैसे नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है आपका प्योर सब्सटेंस इट हैज वन कॉम्पोनेंट ओनली अगर सिर्फ एक कॉम्पोनेट है तो वो एलिमेंट हो जाएगा ठीक है सोडियम 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 तो वो एलिमेंट है मैग्नीशियम 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 तो वो एलिमेंट है ठीक है मैम ये समझ आ गया एलिमेंट इफ द प्योर सब्सटेंस हैज ऑल द टाइप्स ऑफ एटम्स इट इज कॉल्ड एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट्स हो तो यहां पर आपके सामने सोडियम एग्जाम्पल दे दिया अगर आप कंपाउंड की बात करते हो बच्चे तो कंपाउंड जैसे कि वॉटर एच टू ओ इसके अंदर बच्चा फिक्स है इसके अंदर फिक्स है कि दो हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन होगा आप इसको चेंज नहीं कर सकते अगर आपने दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ले लिए तो ये बच्चे एक अलग कंपाउंड बन जाएगा यानी कि यहां पर फिक्स है इसलिए हम उसको मिक्सचर नहीं कह सकते तो कंपाउंड कौन से होते हैं जिसके अंदर कॉम्पोजिशन फिक्स होती है राइट right? यस yes, तो यहां से हमें पता चल गया दैट कॉम्पाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स लेकिन उनका रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम होता है Clear है जैसे देखो जैसे पर मैंने एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लिया तो मुझे दो हाइड्रोजन दो तो पेरोक्साइड बोलते हैं कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम गलती ना करें तो इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं तो यानी कि कंपाउंड में आपको कॉम्पोजिशन सेम रखना पड़ेगा आई होप आपको ये चार का मेजर डिफरेंस समझ आया ठीक है यस yes, मैम अब क्या होता है ना यार बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट थी ना तो मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन आता था तो आई थिंक आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आएगा अभी तो आएगा जब अच्छे से से पढ़ लोगे मैम जल्दी से मुझे बता दो कि डिफरेंस क्या हुआ मिक्सचर और कंपाउंड में मैम से मैम तुमसे पूछ रही है ठीक है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर दे सकते हो कि क्या डिफरेंस हुआ मिक्सचर और कंपाउंड में अभी बताकर आई हूं तो आई होप अभी आप बता सकते हो ठीक है क्या होगा मैम मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है? सोचो है तो दोनों ही अलग-अलग एलिमेंट्स -अलग का मिक्सचर लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करते हो तो आप मिक्सचर में कंपोजीशन चेंज कर सकते हो कंपोजीशन चेंज हो सकती है एग्जांपल क्या होगा इसका कंपोजीशन एग्जांपल से समझेंगे तो मैं लिख देती हूँ चाय नींबू पानी ठीक है इसमें सोच लो सब अपने टेस्ट के हिसाब से सब कुछ मिक्स करते हैं हाँ मैम फिर भी नींबू पानी को नींबू पानी कहते हो ना या चार टेबल स्पून डाल दोगे शुगर तो उसके बाद में नींबू पानी का नाम कुछ और हो जाता है नहीं ना नींबू पानी तो नींबू पानी रहता है तो वो आपका मिक्सचर है लेकिन अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड रहती है कॉम्पोजिशन है वो बच्चे आपकी फिक्स्ड है जैसे कि H2O और H2O2 ये दो अलग अलग कंपाउंड है तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है तो अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या ये मिक्सचर है तो आपको बताना है कि हाँ ये मिक्सचर है सोच लो कि कॉम्पोजिशन फिक्स हो रही है या क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अब आप आंसर दे सकते हो राइट आई होप कोई डिफरेंस नहीं सम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होमोजेनस मिक्सचर क्लियर मैम हाइड्रोजेनस मिक्सचर क्लियर मैम प्योर सब्सटेंस एलिमेंट क्लियर मैम कंपाउंड क्लियर मैम परफेक्ट बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट था इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझते हैं अब क्या होता है हमारे लाइफ में हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं अब कुछ चेंजेस होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस और कुछ होते हैं आपके केमिकल चेंजेस तो एनडीए में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक प्रोसेस दे देंगे और पूछेंगे कि जल्दी से बता दो कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है कैसे बताएंगे ऐसे बताएंगे चलो देखते हैं कैसे बताएंगे अगर आप यहां पर बात करो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो बच्चे जैसे कि मैंने बोला कि मैंने H2O मेरे पास सॉलिड था मैंने उसको हीट करके H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या होगा वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो आपका फिजिकल चेंज होगा क्या हुआ पानी वाटर, जो एच टू ओ था वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम है तो इसलिए वो आपका क्या है बच्चा फिजिकल चेंज है फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ठीक है अब समझो अगर मैंने आपको बोला कि हीट करा जब मैंने इसको हीट किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया ये फिजिकल है तो आप कहोगे ठीक है अगर आप सी ए सी को हीट करोगे तो फिर तो ये भी हीट करा है तो ये भी फिजिकल चेंज होना चाहिए लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों अगर आप सी ए सी यू थ्री को हीट करते हो तो आपको सीएओ प्लस सीओ टू मिलता है क्या रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में कंपाउंड सेम है नहीं मैम यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और सीओ टू गैस है यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अलग अलग चीजें जब बन जाती हैं मतलब नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो आप उसे केमिकल चेंज कहते हो यानी कि बहुत मेजर डिफरेंस क्या है अगर पहले और बाद में सेम कंपाउंड है सिर्फ उनकी स्टेट बदली है तो फिर वो फिजिकल चेंज है और अगर उनके स्टेट के साथ साथ कंपाउंड ही बदल गए तो फिर वो आपका केमिकल चेंज होंगे क्लियर है बच्चा यस yes, मैम तो ये मेजर डिफरेंस है अब ऐसी पहले और बाद में सेम रहे उन्हें कहते हैं और ऐसी uh, है, चलो देख लेते हैं यस मैम प्रॉपर्टीज विच विल बी स्टडीड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है सिर्फ स्टेट चेंज हुई है सॉलिड से लिक्विड में गया है राइट वॉटर वॉटर ही पड़ा है लेकिन वहां पर तो सब कुछ बदल गया यस yes, मैम चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने बच्चा ये क्वेश्चंस आते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे एक फिजिकल प्रॉपर्टी है एक स्टेट से दूसरे में गया मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसा ही है येस मैम विस्कोसिटी भी ऐसा ही है डेंसिटी भी ऐसा है कलर ऑर्डर ये सब क्या है इसमें कोई फिजिकल स्टेट जो है वही चेंज होती है कंपाउंड चेंज नहीं होता है यहां पर अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी कंपाउंड चेंज हो जाएगा सोचो एसिड बेस रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शन को मान लो एक एसिड और एक बेस है और आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है एग्जांपल ले लेते हैं मान लो आपके पास में बेस है NaOH इसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे NaCl प्लस वाटर मिला तो ये क्या हुआ बच्चा कंपाउंड चेंज हो गया तो ये क्या होगा आपका इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चे आपका कंपाउंड चेंज तो वो

जब उसके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में उस पर रिएक्शन होंगे तो क्या हो जाएगा रस्ट बन जाएगी जंग लग जाएगा और उस जंग का क्या हो जाता है आगे पढ़ोगे .xh2o. तो ये आपका रस्ट है अब खुद सोचो यार आयरन थी और कुछ और ही बन गया नई चीज बन गई तो वो क्या होगा वो केमिकल चेंज होगा है ना यस मैम तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आए तो अब गलत नहीं होंगे राइट यस परफेक्ट बच्चा वेरी गुड चलो यार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये कुछ क्वांटिटीज हैं बच्चे जिनकी यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए एसआई SI यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए ओवरऑल हम केमिस्ट्री में इनको बहुत यूज करते हैं किन किन को यूज करते हैं आप लेंथ यूज करते हो आप मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट इतना केमिस्ट्री में नहीं यूज होता बट फिजिक्स में यूज होता है तो ये आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम इतना नहीं यूज करते हैं केमिस्ट्री में ये आप फिजिक्स में यूज करते हैं एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम यूज करते हैं इनके यूनिट्स आपको दिए हैं इनके सिम्बल्स आपको दिए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं तो इसलिए हमें इनको ध्यान से पढ़ना है ठीक है परफेक्ट मैम आगे देखो बच्चा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये भी हमारे लिए फिज केमिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा इसलिए आप एक बार बस गो थ्रू कर लो एक बार आंखों से ऐसे निकाल लो कि अच्छा ये 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 होता है कि पेपर में आए तो गलती ना हो यार दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चार ऑप्शन है और आपको दिख जाए कि ये सही ऑप्शन है ठीक है तो इसलिए मैंने सब चीजें पीडीएफ में डाली है ताकि आपको हेल्प मिले परफेक्ट परफेक्ट मैम तो ये टेबल हो जाएगा हाँ हो जाएगा

सेंटी और डेसी ठीक है ये यूज होते हैं यहाँ पर आपको गीगा पता होना चाहिए मेगा पता होना चाहिए किलो पता होना चाहिए डे का पता होना चाहिए यस yes. तो ये कुछ है जो आपसे यूज की पूछे जाते हैं एक और है बच्चा इज इक्वल टू टू मीटर्स ठीक है तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम गलती नहीं करेंगे ठीक है यस मैम और ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं यूनिट कन्वर्जन तो इसलिए हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए परफेक्ट ठीक है ओके मैम इतना तो हमें क्लियर हुआ है नेक्स्ट देखो बच्चा लिक्विड एलपीजी यस ये हम बहुत बार यूज करते हैं और इससे क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है तो ये एक मिक्सचर होता है मैं फिर से बोल रही हूँ इट इज अचर मिक्सचर है यानी कि थोड़ी बहुत कॉम्पोजिशन आप चेंज कर सकते हो किसका मिक्सचर होता है मैम ब्यूटेन का और प्रोपेन का देखा मिक्सचर का वर्ड यूज हो गया प्रोपेन और ब्यूटेन को यूज करके आप क्या बनाते हो एलपीजी गैस बनाते हो ठीक है कंपोजीशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है नियरली 60 टू 40 रेशियो होता है ठीक है इसलिए मैंने 60 टू 40 लिखा है जो नियरली ऑन एन एवरेज रेशियो होता है थोड़ा कंपोजीशन चेंज हो सकता है एक और चीज बच्चा यहाँ पर जो आपके सिगरेट लाइटर्स होते हैं ना जिसको हम ऐसे हीट करते हैं जलाते हैं और वो जल जाता है तो तो उसके अंदर कौन कौन सी सी गैस गैस यूज होती होती है 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 ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है। कौन सी होती है? कभी सोचा है? नहीं तो यहाँ पर बच्चे आपकी ब्यूटेन गैस यूज होती है कौन सी यूज होती है ब्यूटेन गैस आपकी उनके अंदर यूज होती है ठीक है नेक्स्ट अगर आप बात करो सी की तो सी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दिस इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वॉट इज सी एन जी इट इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है यस yes, मैम जो ऑटोज आजकल डेली में चल रहे हैं ना सी एनजी ऑटोज उनको वो उसमें कौन सी गैस यूज हो रही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो ये कुछ डे टू डे लाइफ से चीजें रिलेटेड है तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए परफेक्ट अब अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या देख रहे हैं आपके सामने कॉम्पोजिशन है एटमोस्फियर का इससे रिलेटेड बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपके सामने कॉम्पोजिशन लाया गया है ध्यान से देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किसका होता है नाइट्रोजन का होता है अगर आप याद करो तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था कि हाइड्रोजन जो है वो आपके यूनिवर्स में सबसे ज्यादा उसका कॉम्पोजिशन है लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एटमोसफियर में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किसका है तो आपका आंसर नाइट्रोजन होना चाहिए

तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये देखो यार यहां पर आपको सारी पर्सेंटेजेस दी हुई है

को गो थ्रू करना है ग्रहण फ्लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई गैस डिफ्यूज होती है अगर कोई गैस मूव करती है तो उसको उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ एफ्यूजन कहते हैं गैसेस का मिक्स होना यस मैम तो यानी कि अगर आप रेट ऑफ एफ्यूजन इसको क्या कहेंगे हम रेट ऑफ एफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन ठीक है इसमें क्या होगा बच्चे यानी कि गैस के मूव करने का तरीका क्या होगा मान लो आपके पास में इस तरीके से कोई एक कंटेनर है जिसमें एक छोटा सा आपने पिन होल निकाला हुआ है और इसमें से आपकी गैस को बाहर आना है ठीक है तो यानी कि उसके बाहर निकलने का रेट ऑफ इफ्यूजन कहा जाता है उसको और अगर दो गैसेस मिक्स हो रही है तो उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है अब आप खुद सोचो यार उसका रेट क्या होगा अगर कोई गैस भारी है अगर कोई गैस का मोलर मास बहुत ज्यादा है तो वो गैस क्या धीरे मूव करेगी या फास्ट मूव करेगी जब किसी का वेट ज्यादा होता है तो वो धीरे मूव कर पाता है एज कंपेयर टू जिसका वेट कम होता है राइट यस मैम तो यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं अगर भारी गैस है तो वो धीरे मूव करेगी दैट इज उसका रेट जो होगा वो कम होगा दैट इज हम कह सकते हैं दैट विल इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड जनरली ये रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती ठीक है।, है अगर आप मास के प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हो तो डेंसिटी भी हम कह सकते हैं किसकी ज़्यादा होती है भारी जितना ज्यादा डेंस होगी कोई उतना धीरे कर पाएगी हां तो यानी कि जो जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा भारी होगी जितना होगी वो उतना स्लो मूव कर पाएगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन भी उतना ही स्लो होगा राइट यस मैम तो यानी कि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू डेंसिटी अब आपको यहां पर और क्या समझना है अब सोचो कि अगर मैंने किसी गैस पर बहुत प्रेशर लगाया अगर मैं किसी गैस पर बहुत प्रेशर लगाती हूं तो उसका रेट ऑफ एफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन बच्चा क्या होगा मैम अगर आप प्रेशर लगा रहे हो तो वो तो वो फटाफट भागने की कोशिश करेगी ना हाँ तो यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना फास्ट मूव करेगी टेम्परेचर की बात करो बच्चे अगर आपने टेम्परेचर से बात करो तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आप उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा रहे हो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है तो भागते हैं है ना हाँ तो अगर वो भागेंगे तो उनका रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होगा इंक्रीज होगा तो यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा इससे क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं इसलिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया ठीक है येस मैम ये तो क्लियर हो गया ये ग्राम स्लॉ होता है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कैसे दी जाती है हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाती है हमें पता है दैट लीनियर मोमेंटम जो होता है लीनियर मोमेंटम मैं इसे बस एम लिख रही हूं लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इन वी ठीक है अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी में बच्चे ये कर दू हाफ एम वी स्क्वायर है यहां पर भी m से मल्टीप्लाई कर दू और ऊपर भी m से तो यानी कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर सकती हूँ बिल्कुल मैम यहां पर हम इसको वन बाय टू पी स्क्वायर बाय टू एम लिख सकते हैं हाँ तो अगर मैं यहां से बच्चे आपसे ये पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के क्या रिलेशन है तो आप कहोगे दैट मैम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी ओवर टू ठीक है

ट काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ठीक है यस yes, कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे बच्चा वेरी गुड तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो बस रेडी रहना बस अभी हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। है? थोड़ा सा गो कर लेते हैं बच्चा तो ये कुछ कर रहे हो लेकिन बच्चा जब साइंटिस्ट ने ये दिए थे तो बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया था बहुत ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने हमें ये लॉज उस टाइम दे दिए थे जब उनको कुछ आइडिया नहीं था कि दुनिया में चल क्या रहा है साल देखो नाइन सेवनटीन सेवेंटी फोर ओ माई गॉड उस टाइम पे इतने ब्रिलियंट लोग थे राइट right? तो अब पेपर में आपसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चे आपसे लॉ किसने दिया कौन से ईयर में दिया ये पूछा जा सकता है लॉ क्या कहता था ये पूछा जा सकता है या फिर कोई ऑप्शन दे देगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है बताओ कौन सा लॉ ये फॉलो कर रहा है तो इन सब के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चा तो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मानस लेजियर ने दिया था फोर में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और यह

देखो, अगर आपके मिल जाएगी, और ये बलून में बना दी ठीक है मैं गैस नहीं दिखा सकती थी ना इसलिए बलून में दिखा दी तो यानी कि आप क्या समझ रहे हो अगर ये टोटल हंड्रेड ग्राम है बच्चा तो ये नाइनटी थ्री प्लस हुआ ना यस मैम तो यानी कि मास हमेशा कंजर्व रहता है बस सिंपल सा सा लॉ है बहुत लॉजिकल लग रहा है ना मैम ये क्या सिंपल सी चीज है ये अब हमें लग रही है क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन उस टाइम पे जब साइंटिस्ट ने हमें ये दी थी इट मैंटल लॉट राइट यस तो बस ये लॉ पता होना चाहिए और कुछ नहीं है नेक्स्ट क्या है मान लो आपके पास में कोई लॉग है लकड़ी है ठीक है उसको आपने हीट कर दिया तो फायर में भी तो कुछ गैसेस होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे उनका भी तो कुछ मास होगा हाँ मैम तो यानी कि अगर आप 30 ग्राम और 1 ग्राम कर रहे हो तो भाई टोटल मास जो होगा एशेज और स्मोक का मिला के वो भी सेम ही होगा तो यानी कि मास को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो ये सिर्फ ये चीज आपको ये यहाँ पर बताना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ फॉर्मूला आना जरूरी है, बच्चा। क्या कहता है? देखो सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ सी प्लस ओ टू जो है वो आपको सीओ टू देता है मुझे पता है कि मास कंजर्व रहेगा यस मैम मुझे बोला गया है थर्टी सिक्स ग्राम्स कार्बन है और ये मुझे क्या देता है वन थर्टी टू ग्राम्स 132 132 ग्राम CO2 देता है, तो ग्राव्ट कुम्ट ग्राव्ट कुम्ट है, तो 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 मास 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 ऑफ 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 डाइऑक्साइड कंप्लीट कार्बन, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बताना मैम सिंपल हम बोल सकते हैं जो होगा वो कितना हो जाएगा राइट, right? तो क्या आप ये ये मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल मैम, राइट, right? तो हम ऐसे क्वेश्चन ये तो था सिंपल सा नेक्स्ट हम देखते हैं Next is your law of, law of constant proportion. क्या कहता है? Law of constant proportion proportion? कहता है? है। या एक बहुत सिंपल सी चीज़ मान लो कि मैं मेरे पास को पानी पीना। आई वॉन्ट टू हैव वॉटर प्यास लगी है ठीक है अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है या तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं लेक से पानी पी लू मैम आप इतने adventurous हो लेक से पानी पियोगे हाँ क्यों नहीं हो सकता है कि मैं बिस्लेरी वाटर से पानी पी लूँ हो सकता है बिस्लेरी वाटर से पी लूँ या फिर मैं क्या सोचूँ या फिर मैं सोचूँ कि मैं टैप वाटर पी लेती हूँ यार टैप वाटर पी लेती हूँ पी मत लेना पहले बता रही हूँ टैप वाटर पी मत लेना क्योंकि सेफ नहीं होता है बट स्टिल परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर पी तो मैं H2O ही रही हूँ ना बच्चा है? कहीं से भी पियो कोई भी ओरिजिन पानी का पानी तो H2O ही है अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो ये टू मास है ये 16 है तो वन एटी है ये तो तो ना आप किसी भी सोर्स में जाओ हर सोर्स में पानी के मास का रेशियो तो सेम ही है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सिर्फ यही यह कहता है कि आप कंपाउंड कहीं से भी ले आओ उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके मासेस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा

के पास में सी एच एच सी एच ओ है बच्चा इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं ठीक है और मान लो कि फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए मैं क्यों लिख रही हूं ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए ठीक है तो अगर आप यहां पर हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो टू वन आ, और वन है अगर आप यहां पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां है फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है ट्वेल्व फिर सिक्स For Simplest, two, one, one, है ना? तो अगर आप ऊपर देखोगे तो, तो, तो दोनों केस में कंपाउंड अलग है यानी कि इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता है राइट तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में अगर एलिमेंट्स के मासज का रेशियो सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो सेम कंपाउंड हो राइट right? ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है परफेक्ट मैम तो द रिवर्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नॉट बी ट्रू क्लियर है बच्चा यस मैम सेम एलिमेंट्स इन सेम फिक्स मास रेशियो में नॉट प्रोड्यूस द सेम कंपाउंड समझ आ रहा है मास रेशियो सेम है लेकिन सेम कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एक फॉर्मेल्डिहाइड कर रहा है और दूसरा आपका ग्लूकोज कर रहा है थर्ड एक और इंपॉर्टेंट When we take isotopes of the element, law of constant proportion fails. इसको समझते हैं कैसे अगर आप यहाँ पर आइसोटोप्स की बात करो तो मान लो मैं H2O बात करती हूँ या फिर मैं D2O बोलती हूँ बेटा दोनों ही वाटर हैं। यस मैम आइसोटोप्स हैं, वाटर हैं, ठीक है, yes, है, है अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हैवी वाटर है ये वाटर है नॉर्मल लेकिन यहाँ पर मासिस का रेशियो सेम नहीं है ना बच्चे यहाँ पर मासिस का रेशियो क्या है एच यानी कि यहाँ पर वन रेशियो ये टू है और ये 16 है तो वन रेशियो एट है अगर आप डी टू ओ की बात करोगे तो फोर सिक्सटीन दैट इज वन रेशियो फोर है बच्चा यहाँ पर तो यानी कि मास का रेशियो अलग आ रहा है तो आइसोटोप्स के केस में भी ये लॉ क्या होता है फेल हो जाता है क्लियर है बच्चा यस मैम परफेक्ट बच्चे तो ये चीज बोलता है

H2O2 याद है मैम ने इसी क्लास में बताया था कि H2O2 का क्या नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ठीक है यस yes, मैम अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखोगे तो ये टू है ये 16 है यहाँ पर ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा टू है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये टू है ये टू है तो यहाँ पर आ जाएगा थर्टी ठीक है अब यहाँ पर क्या करो दोनों में हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दो टू टू कर दिया फिक्स कर दिया मास इधर भी टू है इधर भी टू है जो इसके साथ एलिमेंट जुड़ा है इसके का हमेशा होल कि अगर आप इस ऑक्सीजन का, का देखो थर्टी टू तो वन रेशियो टू आ रहा है तो यानी कि हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ये हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि ये हमेशा वन रेशियो टू दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ठीक है ये और समझते हैं ये एक एग्जाम्पल है आपको समझ आया आई होप अगला एग्जाम्पल भी समझ आएगा जैसे कि अगर आप यहां पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं तो अगर आप इन सब कंपाउंड्स का मास का रेशियो देखो तो क्या होगा देखो यहां पर नाइट्रोजन क्या है ब्लैक पेन ले लेती हूं यहां पर नाइट्रोजन क्या होगा 2 ठीक है यहां पर हो जाएगा सिर्फ फोर्टीन यहां पर हो जाएगा फोर्टीन यहां पर हो जाएगा टू इंटू फोर्टीन ठीक है ऑक्सीजन के मासेस कितने हो जाएंगे चलो यहां पर हो जाएगा वन इंटू सिक्सटीन यहां पर हो जाएगा वन इंटू सिक्सटीन यहां पर हो जाएगा टू इंटू सिक्सटीन और यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री इंटू सिक्सटीन ठीक है तो थ्री इंटू सिक्सटीन अब मुझे मास को एक को फिक्स करना पड़ेगा तो मान लो कि मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के मास को फिक्स करती हूँ तो अगर मैं इसको फिक्स करूंगी तो मुझे इस पूरे को टू से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो फोर्टीन 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 होगा तो यानी कि इस पूरे को टू से डिवाइड करूंगी तो मुझे यहाँ भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये एट हो जाएगा राइट ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये तो फोर्टीन है ही फोर्टीन है ही इसको टू से डिवाइड कर देती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर टू हो जाएगा तो यहाँ पर एट हो जाएगा अगर आप बच्चे यहां पर हो रेशियो देखो तो रेशियो क्या आ जाएगा देखो अब 14 14 14 के साथ यहां पर क्या हो रहा है 8 है यहां पर क्या हो रहा है 16 है यहां पर क्या है two into 16 है इंटू सिक्स इंटू एट है ठीक है यस yes, मैम अगर बच्चे आप यहां पर होल नंबर रेशियो देखो तो एट वन ये टू ये टू यहां पर हो जाएगा वन तो जो रेशियो आया वो क्या आ गया बच्चा यहां पर आ गया वन रेशियो टू रेशियो फोर रेशियो थ्री तो क्या एक होल नंबर रेशियो आ रहा है पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा ना टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर नहीं तो यानी कि जब दो कंपोनेंट्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं और आप किसी एक का मास फिक्स कर दो तो क्या होता है बच्चे दूसरा जो होता है उसके मासेस का रेशियो कोई ना कोई स्मॉल होल नंबर आता है तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, यस yes, मैम। नहीं हुआ तो फिर से बनाकर देखो समझ आएगा कि ये कैसे आया ये खुद रेशियो निकालोगे तो क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल प्रोपोर्शन दो एलिमेंट्स की बात करता है ठीक है अब आएगा सबसे एपिक वाला दैट इज योर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे ये आपका होमवर्क होगा ये क्वेश्चन क्या है अब आपका होमवर्क है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है इसको आप अपने होमवर्क में सॉल्व करेंगे हम इसकी तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं अब हम आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ अब ध्यान से सुनो क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है दैट व्हेन वी टेक आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फेल्स अच्छा अच्छा Yes. तो जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं चलो पहले ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं ठीक है मैम ड्रॉबैक्स में सिंपल सी बात है यार आइसोटोप्स के केस में ये फेल हो जाएगा मैम समझ रहे हैं हम आइसोटोप्स क्या होते हैं जहां पर आपका अटोमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में पक्का करेंगे ठीक है

लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है इसके अंदर बिल्कुल मल्टीपल की तरह ही होता है इसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं ठीक है जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास में क्या है आपके पास में हाइड्रोजन है आपके पास में कार्बन है और आपके पास में ऑक्सीजन है तो ये इस तरीके से तीन कंपाउंड्स बना रहे हैं तो सिंपल सी एक ट्रिक याद कर लो जब तीन एलिमेंट्स होंगे और वो तीन कंपाउंड बना रहे होंगे तो वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे अगर दो एलिमेंट्स हैं और वो दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे ठीक है यस yes, मैम तो अब यहाँ पर क्या समझना है बच्चे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे दैट यहाँ पर मासेस की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का मास है वन ऑक्सीजन का मास है अच्छा हाइड्रोजन का मास है टू ऑक्सीजन का मास है यस yes, मैम अगर आप यहाँ पर देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर ट्वेल्व है और यहाँ पर फोर है अगर आप यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पर ट्वेल्व है और यहाँ पर बच्चा सिक्सटीन क्यों है टू है ना तो मैम थर्टी टू है यार गलती हो जाती है ठीक है थर्टी टू अब ठीक है अब आपको बच्चा यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर क्या देखना है दैट सबसे पहले एक एलिमेंट देख लो ठीक है जैसे कि मान लो मैंने यहां पर एलिमेंट रखा कार्बन ठीक है मैंने किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया तो यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए फिक्स कर दो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स वन एलिमेंट मास ठीक है किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो ठीक है एलिमेंट मास मैंने यहां पर किसका किया है कार्बन का किया है तो यहां पर भी कार्बन 12 था यहां पर भी कार्बन 12 था मैंने इसका मास फिक्स कर दिया अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मासेस का रेशियो देखो यहां पर अगर आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो देखोगे तो फोर बाई थर्टी टू होगा दिस इज वन बाई एट कोई दिक्कत नहीं है यस yes, मैम अब जो आपने फिक्स किया और उसके साथ के एलिमेंट्स का मासेस का रेशियो देख लिया ठीक है मैम दैट इज वन बाई ठीक है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जो यही दोनों एलिमेंट्स अपने आप में कंपाउंड बना रहे हैं उसका रेशियो देखो तो यहां पर अगर आप का रेशियो देखोगे तो तो ये आ जाएगा है है ना 16, तो eight, है ना यस yes, मैम अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो इनका रेशियो जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है सबसे पहले तीन एलिमेंट्स होने चाहिए तीन एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाए ठीक है उनको इस तरीके से लिख दो लिख दिया फिर क्या करना है स्टेप क्या है किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है तो आपने किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जैसे कि यहां पर हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया जब आपने मास फिक्स कर दिया उसके बाद में कार्बन के साथ जो दो एलिमेंट्स है उनके मासेस का रेशियो देख लो न बाई एट आ रहा है और यही दो एलिमेंट्स अलग से भी तो एक कंपाउंड बना रहे हैं यस मैम तो इनके मासेस का भी रेशियो देख लो ये रेशियो जो होगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा तो एक सिंपल सी ट्रिक है पेपर में कभी भी तीन एलिमेंट्स आए और पूछे कि कौन सा लॉ फॉलो करता है तो आंखें बंद करके आप रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कर सकते हैं राइट right? यस yes, बच्चा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जनरली कंफ्यूजन आता है तो आप इसको जरूर गो थ्रू करें अगर एक बार में नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को फिर से बैक करके बच्चा जरूर देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये क्लियर क्लियर होना चाहिए ठीक 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 है 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 आई होप आपको हुआ होगा आगे बढ़ते हैं बच्चा है, मैम कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? यहां पर आपके सामने है. एक बार अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स

तो दोनों के वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है तो बच्चे इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी सेम होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी सेम होंगे यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब भी आपके पास में कोई भी गैस है जो सेम वॉल्यूम की है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे कंडीशन क्या है बच्चा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बस इतना कहता कहता है। है अब क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो कहता है कि आपके पास होंगे तो मैम जब टेम्परेचर सेम कर दिया प्रेशर सेम कर दिया और, तो और वॉल्यूम भी सेम कर दी तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे अकॉर्डिंग टू दी एवोगैड्रोस लॉ ठीक है? Yes, right? है, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एंड यू कैन डू दिस होगी अब क्वेश्चंस करने हैं फटाफट क्वेश्चंस करने नो आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो अब आई थिंक आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं राइट यस तो जितना भी पढ़ा है उस सब को अब समराइज करने का टाइम आ गया है तो जल्दी से अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना तो मैं जरूर चेक करना चाहूंगी कि कौन से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एकदम सही सही आंसर दिए ठीक है यस और वो भी मैम का रिस्पांस देखने से पहले ठीक है क्वेश्चन क्या कहता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू वाटर क्या है भाई एच टू ओ है मुझे पता है एक कंपाउंड है मुझे ये भी पता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर यस yes, मैम अगर आप आ, आ, इसका बात करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना बच्चे इसके साथ में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहाँ से एक और चीज समझनी है कि मैम जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका मतलब है कि आपका हाइड्रोजन जो है कौन से कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरिन के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वाटर के अंदर ये वाला ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है यस मैम यानी कि हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर बिल्कुल सही है यह गलत नहीं है हमें नॉट ट्रू बताना है हमें नॉट ट्रू बताना है ठीक है

है ना यहां पर भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाँ मैम तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नहीं है यानी कि मैम ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वाटर अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर के तीन स्टेटमेंट हम समझ सकते थे तो हम वैसे भी फोर्थ आंसर दे सकते थे बट पोलर और नॉन पोलर भी हमें आइडिया होना चाहिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की राइट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है यस बच्चा यस तो यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस

और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर ओवर मास क्या है फोर एम है तो टू इंटू फोर एम होल स्क्वायर ठीक है तो ये एम ए हो जाएगा रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम इक्वल अच्छा स्क्वायर क्यों किया मैम ने यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ सिंपल फोर एम आएगा ठीक है अब आपको बोल दिया बच्चा कि इक्वल लीनियर मोमेंटम है यानी कि पी ए जो है वो आपका पी बी के इक्वल है ठीक है यस yes, मैम तो आपको क्या बताना है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए एंड बी तो बहुत सिंपल है यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में कैंसिल कर सकती हूँ सेम है यानी कि और टू से टू भी कैंसिल कर सकती हूँ यस yes, तो यानी कि रह क्या गया वन अपॉन एम ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर एम एम ए रखो या नहीं ए की जरूरत ही नहीं है तो ए मत रखो यार छोड़ दो टू एम रख दो यहां पर और यहां पर भी सिंपल एम रख दो

Would undergo. तो अब यहाँ पर क्या हुआ ठीक है हमें पता है दैट जो मास है इनका मास तो हमेशा फिक्स रहेगा मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा चाहे सॉलिड हो गैस हो या लिक्विड हो याद है वो टेबल पे मास फिक्स था ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे चेंज इन मास नहीं मास में कोई चेंज नहीं आएगा अ चेंज इन डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है तो यानी कि यहां पर वी वॉल्यूम होगा यहाँ पर वी वॉल्यूम होगा गैस बच्चा क्या गैस की वॉल्यूम फिक्स होती है

चेंज इन कॉम्पोजिशन तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो सकता है याद है फिजिकल चेंज है ये तो सिर्फ यस मैम नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा लेकिन नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज किसने कहा यार फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो रही है ना डेंसिटी बदल रही है फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी याद है हमने पढ़ा था यस yes, मैम तो यानी कि सिर्फ एक चीज है जो यहां पर सही है दैट इज अ चेंज इन डेंसिटी डेंसिटी में चेंज आएगा बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन ने आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है सारा कुछ रिवाइज करवा दिया है ठीक है यस मैम परफेक्ट आई होप आपको समझ आया होगा एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर ये आंसर आ गया आपका आ गया था लास्ट वाला ठीक है अब इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चा क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर मिक्सचर कौन होता है जिसका कॉम्पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं नीचे से देखना शुरू करते हैं क्या हम एयर का कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं हाँ हमें क्या पता कितना भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है यहाँ पर कोई स्पेसिफाई थोड़ा किया गया है कि कौन सी एयर कोई भी एयर हो सकती है आपके यहाँ पर आप इस रूम के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन डाल दो तो नाइट्रोजन वो भी मिक्सचर ही होगा यस मैम तो यानी कि ये तो मिक्सचर है

टिन बच्चा टिन क्या है टिन तो एक एलिमेंट है ना और एलिमेंट क्या होता था मैम एलिमेंट तो एक प्योर कंपाउंड होता था यानी कि प्योर सब्सटेंस होता था तो आप इसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते हो तो टिन एक मिक्सचर नहीं है इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है सोचकर एंड आई थिंक अब मेरी बच्चा पार्टी ये जरूर कर सकती है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज अ ड्राई आइस बच्चा ड्राई आइस किसको बोला जाता था ड्राई आइस क्या था ड्राई hmm. आइस क्या था क्या था क्या था मैम ड्राई आइस था सॉलिड सीओ टू जो सॉलिड सीओ टू होता था आप ही ने बताया था कि उसे ड्राई आइस बोलते हैं तो यहां पर है क्या कोई सॉलिड सीओ टू सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यस तो ऑप्शन सी आपका सही होगा आइसक्रीम प्रेजेंट आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम क्या आप उसको ड्राई आइस बोलोगे नहीं नहीं उसको ड्राई आइस नहीं बोलते हैं बच्चा सॉलिड वाटर इन अंटार्क्टिका नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता है सॉलिड वाटर ऑफ आइनोस्फियर नहीं इसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया आपको यह चीज याद रखनी है कि जो सॉलिड स्टेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको ड्राई आइस कहा जाता है ठीक है परफेक्ट मैम आई थिंक आपका ये आंसर सही आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा फेर हाइट एंड सेल्सियस are the two scales used for measuring temperature if the numerical value of a temperature recorded in both the scales is found to be same what is the temperature ये क्वेश्चन बच्चे हमने आज ही की क्लास में सॉल्व किया है और ये आपके एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है याद है जब हमने टेम्परेचर जो था वो सेम किया था आई थिंक मेरी बच्चा पार्टी को बिल्कुल याद है यस yes, मैम तो यानी कि माइनस फोर्टी आंसर आया था देखो मैं तो कहूंगी कि आपको याद होना चाहिए बट अगर आपको याद नहीं है बच्चा तो फिर भी आपको वो फॉर्मूला लिखना है उस फॉर्मूला में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फेर को क्या करना है टी टेम्परेचर लिखना है और सॉल्व करना है ये हम सॉल्व कर चुके हैं यस yes, नहीं याद तो याद करो पीछे जाओ वीडियो में और याद करो जहां पर हमने फेर केल्विन स्केल और ये सारे स्केल्स डिस्कस किए थे वहां पर हमने सॉल्व किया था यस yes, मैम तो यानी कि माइनस फोर्टी बच्चा आपका आंसर होगा एंड ये याद होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा राइट right? दो बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं तो अभी तक तो याद हो भी जाना चाहिए राइट यस आई थिंक मेरी बच्चा पार्टी को ये बिल्कुल है। खुद सॉल्व करके देखना है मैम का आंसर देखकर बस टिक नहीं कर देना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चा क्या कहता है एयर इज ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा चलो मेरे बच्चा पार्टी आंसर देगी कि एयर क्या है जल्दी से सोच के बताओ क्या एयर एक कंपाउंड है क्या एयर में सब चीजें फिक्स है क्या हम एयर का कंपोजीशन चेंज नहीं कर सकते कर सकते हैं मैम तो वो कंपोजीशन चेंज होता है तो कंपाउंड तो नहीं हो सकता तो इट इज नॉट अ कंपाउंड नो नेक्स्ट ऑलवेज अ मिक्सचर यस एयर हमेशा एक मिक्सचर है आप एयर का कंपोजीशन हमेशा चेंज कर सकते हैं है ना Yes, तो एयर एक मिक्सचर है। इंडस्ट्रियल हो, हो, जोन right? in क्या वो तो हर जगह पर एक मिक्सचर है यानी कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन बी है दैट इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर वो हमेशा एक मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन हर जगह बदलता रहता राइट यस मैम परफेक्ट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा Very good. Next question करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एल पी जी गैस इज अब मुझे सोचकर बताओ कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है मैम अगर हम याद करें तो आज ही के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एलपीजी जो है वो किस किस गैस का क्या है <laughs> मैं ही बता दूंगी तो तुम कैसे बताओगे है ना ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस मिक्स होती है ठीक है और उनका एवरेज रेशियो सिक्सटी टू फोर्टी होता है लेकिन वो चेंज

तो मोस्ट चेंज कर रही हैं इन यूनिवर्स अगर मैंने यूनिवर्स लिखा होता तो एच टू गैस बोलते हैं। है ना अगर मैंने यहां पर एटमोस्फियर लिखा होता तो इन एटमोस्फियर लिखा होता तो बताओ मैंने ना एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना दिए अब मुझे बताओ यूनिवर्स होता तो H2 गैस होती अगर एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा बच्चा अगर एटमोस्फियर है तो क्या होगा बच्चा अगर एटमोस्फियर है तो याद है वो ब्लू कलर का हमने पूरा ऐसे बनाया था और यहाँ पर ब्लू कलर का बहुत ज्यादा बड़ा सा कुछ दिख रहा था हमें दैट योर नाइट्रोजन गैस तो यहां से आपका नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछ लेती द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफियर तो फिर क्या देते तो फिर मैम हम कहते ऑक्सीजन गैस है ना यस yes. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है और ये सब एनडीए में पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अगर इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज़ वाटर क्यों है एक कंपाउंड पढ़ो यार इट एग्जिस्ट्स एज सॉलिड लिक्विड और गैस ठीक है लेकिन इसमें कंपाउंड का क्या रिलेशन हुआ इट कंटेेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी कंटेन करता है इट कंटेन टू डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइंट बाई केमिकल बॉन्ड्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि जो दो एलिमेंट्स आपके साथ प्रेजेंट है वो एक फिक्स्ड उनका कॉम्पोजिशन फिक्स होगा क्योंकि उनके बीच में केमिकल हैं इसलिए हम उसे आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना उसको टिक करना होता है ठीक है इट कैन स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल नो इट इज कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंड बाय केमिकल क्लियर है बच्चा यस मैम परफेक्ट चलो तो ये भी हो गया है तो यहां पर हम अपने सेशन के बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं ठीक है तो आई होप आपको आज के सेशन ने हेल्प किया होगा आपको चीजें समझ आई होंगी आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे राइट right? यस yes. तो इसी तरह से हम आगे भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चा जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा एंड और भी चीजें दैट किस किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है आई वुड रियली ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम हेल्प कर सकूं तब तक पढ़ते रहो तैयारी करते रहो और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम हार्डवर्क करो थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद